दिन का जो आपकी यादें जो ताजी हैं वो हमारे साथ पहले शेयर कीजिए। मैं ऑन ड्यूटी था एज ए ऑफिसर, फायर ऑफिसर। मेरे पास सिर्फ दो बंदे थे जो कि जिनको ज्वाइन किए हुए फायर सर्विस सिर्फ दो महीने हुए थे। मैं आई एम ऑडिबल प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जिनको ज्वाइन किए हुए सिर्फ दो महीने हुए थे, आई जस्ट ए कॉल फ्रॉम आवर मेन स्टेशन कि धर्मवीर ऐसा ऐसा हमारे नियर बाई एक मधुरा नगर है और वहाँ पे एक लॉन्च है, अनुपमा लॉन्च, वहाँ फायर हो गया है। तो मुझे लॉन्च में फायर हुआ तो मुझे लगा कहीं ये रेस्टोरेंट में कुछ फायर है और इसका है, और उसका मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया वहीं पे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था मेरा पीछे जो 16 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत सारी फायर देखी हैं, ऑयल फायर देखी हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बचाई हैं। ये जो फर्स्ट टाइम हुआ जो हमने ये काम हुआ जो मैन पावर को पहुँचाए हम लोगों ने, तो मैंने माइंड में डाल लिया कि भाई मैंने उनको समझा दिया कुछ मैं जो बोलता हूँ वो करना आपको, बाकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। बोला सर हम तो फर्स्ट टाइम फायर को फेस कर रहे हैं। मैं बोला ये हर आदमी हर चीज़ जो करता है वो फर्स्ट टाइम ही करता है, तो इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं फायर देख रहा हूँ ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मेरे 16 साल में, ये अलग फायर है एक, क्योंकि हर चीज़ हर से अलग था। ये एक चीज़ एक रेस्टोरेंट है, नीचे मेडिकल शॉप था इनका और रेजिडेंस भी था ऊपर, नीचे रेस्टोरेंट भी था, साथ में मेडिकल शॉप था। तो मेडिकल शॉप में फायर हो गया, मेडिकल शॉप में गया, बहुत सारे केमिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनके जलने से आगे जो स्मोक डेवलप होगा ऊपर जो जाएंगे जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत हजार है वो। तो मीन टाइम जैसे मैं पहुंचा तो वहां पे एक अपने तेलंगाना स्टेट के कमांडर पहुंचे हुए थे, तो उनसे बात हुआ। मैंने सर मेरा नाम धर्मवीर है। बोला सर मैं आपका नाम जानता हूँ। मैं बोला थैंक यू वेरी मच सर। मैं जबकि उनसे इतना अट्रैक्शन नहीं था, पर उन्होंने क्योंकि हम एयरपोर्ट में साथ में मिलते रहते हैं तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ सर आपका। मैंने सर क्या करना है आप बताइए। मैंने उनसे जाते ही पूछा। बोला सर एक तो पहले हमको पानी चाहिए, हमका पानी सप्लाई कीजिए आप। मैंने ठीक है सर। सेकंड काम सर अंदर कितने लोग हैं हमको नहीं पता। उन्होंने साहब बोला अंदर कितने लोग हैं हमको नहीं पता है और अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो PPE होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं, BSET रहता है हमारे पास, जिसका जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 35 मिनट्स का रहता है। आप कुछ भी कर सकते हैं तो 35 मिनट्स में आपको करके वापस आना है, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे वहाँ पे, इतना ही टाइम रहता है। इसका थोड़ा सा आप विस्तार में बता सकते हैं ये क्या जो 35 मिनट्स का जो, ताकि हम सबको ये अच्छी तरह से ये कैलकुलेशन है अपना BSET का कैलकुलेशन, ब्रीथिंग अपैरेटस कैलकुलेशन है। वाटर कैपेसिटी होती है हमारी 6.8 लीटर इंटू 300 bar प्रेशर होता है डिवाइडेड बाई 40 जो लीटर कैपेसिटी रहती है एक ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल ह्यूमन में लेता है 1 मिनट में वो 40 लीटर है। 0.6 हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 0.9 मल्टीप्लाई करते हैं गैस लो के हिसाब से, एक केमिस्ट्री है अपना गैस लो के हिसाब से कि हमको उतना वेस्टेज होता है। तो टोटल वो जो टाइमिंग आता है हमारा 35 मिनट्स आता है वर्किंग ड्यूरेशन। फुल ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलेगा, वर्किंग ड्यूरेशन 35 मिनट्स मिलेगा। लास्ट जो 10 मिनट्स मिलेगा आपको वो वार्निंग विसिल के साथ मिलेगा कि आपका 10 मिनट्स बाकी रह गया है, आप निकलना है तो निकल सकते हैं, आप किसी को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए नहीं तो खुद भाग जाइए, वो लास्ट 10 मिनट्स रहता है। तो हमने BSET पहना, मैंने अपनी टीम को बोला कॉन्फिडेंट है, बोला सर आप बताइए क्या करना है हमको, बस मतलब बस मैं जैसा बोलता हूँ आप मेरे पीछे रहना है, जहाँ मैं एक लेफ्ट रखूँगा तो आपको लेफ्ट रखना है, मैं राइट रखूँगा तो आपको राइट रखना है। तो बंदे थोड़े समझदार थे और बाय चांस उस दिन वो मेरे नॉर्थ साइड के थे। यानी कि कोई भाषा का जो भाषा की कोई समस्या नहीं थी, वो समस्या नहीं थी तो क्योंकि एक्चुअली वहाँ तेलुगु चलता है और मैं इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह गया कि मैं तेलुगु थोड़ा बहुत आता है मुझे, पर मैं समझ सकता हूँ बोलना मुझे इतना नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, बोला सर हम समझ गए। तो मैंने आप समझ गए तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। जैसे हमने एंटर किया पूरा स्मोक था, कुछ नहीं दिख रहा है हमको। फर्स्ट फ्लोर गए, सब हर रूम में गए, वॉशरूम में गए, बेड के नीचे गए, चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। मैंने उनको बोला कि तुम मुझे दिखने चाहिए और मैं तुमको दिखना चाहिए, बस कि मैंने एक आवाज़ लगाई कि मिस्टर सोनू कहाँ पर हो आप, तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए मुझे, बाकी रूम सर्च करो फटाफट। रूम फर्स्ट फ्लोर में गए, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, टाइमिंग जा रहा है हमारा साथ में 15 मिनट्स हो गया, 20 मिनट्स हो गया, तो वो लोग मुझे देख रहे हैं कि सर कुछ बोले हमको भागने के लिए वापस जाने के लिए, पर मैं उनसे आगे भाग रहा था तो उनका हिम्मत नहीं हुआ मुझसे पूछने के लिए कि हम सर से पूछे, सर तो खुद ही भाग रहे आगे। 6th floor, 7th floor तक पहुँच गए हम लोग। लास्ट फ्लोर पर हमने देखा कि पब्लिक खड़ी है वहाँ पर। तो बोला सर हमको, हम इवैक्यूएशन का वेट कर रहे हैं। मैं बोला हमारे पास कोई ऐसा लिफ्ट नहीं है कि आपको ऊपर से हम लोग डायरेक्ट लेके उठा लें। तो मैंने उनको समझाया कि मैं अगर मेरे को कुछ होता है तभी आप लोगों को कुछ होगा। उनके माइंड में डाल दिया, सबको पॉजिटिव माइंड कर दिया, ये स्मोक है और कुछ भी नहीं है, आपको नीचे क्रॉलिंग करके इवैक्यूएशन करना है क्योंकि स्मोक ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। मैं बोला, और इन दो लड़के थे मेरे साथ, उनको बोला जब मैं इन टीम को लेके जा रहा हूँ आगे
आप दोनों इनके टीम के पीछे रहना है लास्ट में, ताकि कोई डर के मारे रुक ना जाए या फिर कूद ना जाए नीचे या कोई जंप नहीं कर जाए, तो ये प्रोटेक्शन हमको रखना है। तो बोला सर हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है। मैं बोला कि अगर आपको ऊपर जाना है तो वो 1 मिनट भी ज़्यादा होता है हमारे लिए, कभी भी आप जा सकते हैं, सेकेंड्स है, पर हमारे पास 10 मिनट्स है तो हम बहुत है, हम उसमें करेंगे कुछ ना कुछ। बस फिर हमने स्टार्ट किया वैकेशन, फटाफट फटा इतना ऐसा वैकेशन हो गया कि वो विद इन 6 मिनट हो गया। विद इन 6 मिनट्स जो 30 जाने बचाई आपने, हाँ।